नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप राइनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तेज मतदान। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। ईवीएम और वीवीपीएटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शत प्रतिशत मिलान की मांग खारिज की। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में तेज मतदान की खबर है। सवेरे 11 बजे तक त्रिपुरा में 36% से अधिक, छत्तीसगढ़ में 35% से अधिक, मणिपुर में 33% से अधिक, पश्चिम बंगाल में 31% से अधिक, मध्य प्रदेश में 28% से अधिक, असम में 27% से अधिक, जम्मू कश्मीर में 26% से अधिक, राजस्थान में लगभग 27% से अधिक, केरल में 25% से अधिक, उत्तर प्रदेश में 24% से अधिक, कर्नाटक में 22% से अधिक, बिहार में 21% से अधिक और महाराष्ट्र में लगभग 19% मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज मध्यम से तेज मतदान होने की खबर है। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 88 संसदीय सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें केरल की सभी 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की शेष 13, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम तथा बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर तथा त्रिपुरा की शेष 1-1 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय सीट पर बसपा उम्मीदवार के निधन के कारण दूसरे चरण में होने वाला मतदान अब तीसरे चरण में होगा। आज जिन प्रमुख उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी वे हैं केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तथा कांग्रेस नेता शशि थरूर, बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा के तेजस्वी सूर्य और मथुरा से भाजपा की हेमा मालिनी। अन्य प्रमुख उम्मीदवार है मेरठ से भाजपा के अरुण गोविल, मांड्या से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और पूर्णिया से पप्पू यादव। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। गर्मी के मौसम में मतदाताओं की सुविधा के लिए बिहार के बांका, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर निर्वाचन क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों पर मतदान का समय शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस चरण में कुल 15,88,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए 1,67,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 16,00,000 से अधिक मतदान अधिकारी तैनात किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा और बिहार की 5-5 सीटों, झारखंड की 3 सीट और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीटों के लिए मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर मालदा और दक्षिण मालदा के पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कुशासन के कारण राज्य में स्कूल सेवा आयोग एसएससी की भर्ती में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी 2016 की भर्ती को रद्द कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहा है। ऐसे आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने एसएससी भर्ती के अंतर्गत नौकरियां देने के लिए पैसे लिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और संदेश खाली की घटना ने यह साबित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मालदा की महिलाओं ने भी टीएमसी के कुशासन का सामना किया है। श्री मोदी ने कहा कि टीएमसी ने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो मालदा के लोग मोदी सरकार के विकास का साक्षी बनेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल पिछड़ता है तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी की पर्चियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के आंकड़ों के शत प्रतिशत मिलान वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये फैसला न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की एक पीठ ने सुनाया। हालांकि 18 अप्रैल को इन मामलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। निर्वाचन आयोग से पीठ द्वारा कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण 24 अप्रैल को इन मामलों को फिर सूचीबद्ध किया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए आज फैसला सुनाया गया। फैसले को लेकर न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि बैलेट पेपर से मतदान कराने और ईवीएम वीवीपीएटी की पूर्ण जांच तथा वीवीपीएटी की पर्ची को मतदाताओं को देने की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के लिए दो निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि ईवीएम में सिंपल लोड किए जाने के बाद सिंपल लोडिंग यूनिट एसएलयू को सील करके कंटेनरों में सुरक्षित रख लिया जाना चाहिए। इस सील पर उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सील किए गए कंटेनरों को परिणाम घोषित होने के कम 45 दिनों तक ईवीएम के साथ स्टोर रूम में रखा जाना चाहिए। उन्होंने ईवीएम की तरह ही खोला और सील किया जाना चाहिए। अन्य निर्देश में न्यायालय ने कहा कि ईवीएम के 5% में बर्न मेमोरी सेमी कंट्रोल यूनिट है। 2 या 3 उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के बाद ईवीएम निर्माता के इंजीनियर द्वारा प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी की जांच और सत्यापन किया जाना चाहिए। इस प्रकार का अनुरोध परिणामों की घोषणा के बाद 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अनुरोध पर होने वाले खर्चे को उम्मीदवार वहन करेगा। यदि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो वो खर्च उम्मीदवार को लौटा दिया जाएगा। मई को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक आरोप पत्र जारी किया है। इस आरोप पत्र में कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तेलंगाना का सहयोग न करने का आरोप लगाया है। इसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने धन आवंटन, कृष्णा नदी के जल वितरण, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम और आईआईटी देने के मामले में राज्य के साथ अन्याय किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अन्य मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हैदराबाद में ये आरोप पत्र जारी किया। भाजपा पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वो स्विस बैंक से काला धन लाने और हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने में भी विफल रही है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर संवाद सियोल में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने परमाणु, रासायनिक और जैविक क्षेत्रों के अप्रसार और निरस्त्रीकरण के विकास पर चर्चा की। दोनों पक्षों में क्षेत्रीय अप्रसार मुद्दों, बाहरी अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, सैन्य क्षेत्र में एआई और पारंपरिक हथियारों और बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण तंत्र पर भी चर्चा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुआनपुई सयावी और दक्षिण कोरिया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के परमाणु अप्रसार और परमाणु मामले के महानिदेशक यून जोंग क्यों ने किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रनों से हरा दिया। 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 171 रन ही बना सके। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शाहबाज अहमद ने सर्वाधिक 40 रनों की नापाद पारी खेली। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 207 रन का लक्ष्य दिया। आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 51 रन, रजत पाटीदार ने 50 रन और कैमरून ग्रीन ने नाबाद 37 रन बनाए। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।